हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रिपल आर मूवी का कंसेप्ट मैंने क्रिएट किया है। तो आज की इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि कुछ इस टाइप से अपने फोटो को कैसे बना सकते हैं। सो ट्रिपल आर मूवी को मैंने देखा, ऐसे ही सीन NTR सर का था, तो वहाँ का सीन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो पहले से ही मैंने सोच लिया था कि इसका कंसेप्ट आर्टवर्क मेरे को बनाना है, तो फाइनल मैंने बनाकर पोस्ट भी कर दिया और फिर आप सबके लिए ट्यूटोरियल भी लेके आ चुका हूँ ताकि आप भी ऐसे आर्टवर्क आप भी बना पाओ। और ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सो आप ऐसे पिक बनाओगे तो आपकी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो सकती है। एंड वीडियो को आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस आर्ट को मैंने कैसे क्रिएट किया, बहुत ही सिंपल है। एंड गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप को। सो पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करने के बाद आपको बैकग्राउंड को इधर से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सो गाइस, तो ये रहा बैकग्राउंड और बैकग्राउंड PNG जो भी इस वीडियो में यूज करूँगा सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप इजीली डाउनलोड कर लेना बिल्कुल फ्री में। सो बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के बाद आपको जाना है ऐड फोटो ऑप्शन पे। सो गाइस, तो आप देख सकते हैं मेरे ओरिजिनल पिक है और मैंने इस फोटो को कुछ इस टाइप से ही फोटो को क्लिक किया था। सो ऐसे ही आप भी फ़ोटो को क्लिक कर लेना। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको कटआउट कर दिया। सो आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड को इरेज कैसे करते हैं तो इस पर मैंने वीडियो काफ़ी बना रखा है, सो आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा मेरे वीडियो में, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको कटआउट करना है और कुछ इस तरह से इस PNG को भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो इसको भी आप डाउनलोड कर लेना, पहले से मैं लगा के रखा हूँ। सो इसको मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड के ऊपर अच्छे से मैं बैठा दूँगा एंड उसके बाद मैं डन कर दूँगा। एंड डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो पे जाने के बाद टाइगर को ऐड करूँगा। सो टाइगर को कुछ इस तरह से आपको परफेक्ट सेट कर देना एंड डन कर देना है। एंड गाइस, डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो ऑप्शन पे जाना है एंड आपको ब्लॉड PNG को इंपोर्ट कर लेना है। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैं जो बताऊँगा ब्लेंडिंग रखना है वही आपको भी रखना है। मैं इसको क्या करूँगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इसको ऐड करके इसका ब्लेंडिंग जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंड उसके बाद इस PNG को कुछ इस तरह से इंपोर्ट करने के बाद इसका भी ब्लेंडिंग डार्कन रख दूंगा। सो इसको इसका डार्कन रखना है एंड डन कर देना है। एंड डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो ऑप्शन पे जाऊंगा और गाइस, तो आपको दो PNG को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे जितना सारा PNG यूज करूँगा आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर लेना। सो कुछ इस तरह से इसका ब्लेंडिंग भी चेंज कर दूँगा, तो इसका ब्लेंडिंग मैं डार्कन रखूँगा एंड उसके बाद इस PNG का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी मैं PNG यूज कर रहा हूँ मेरे फ़ोटो के मेरे बॉडी के हिसाब से परफेक्ट आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, मैं इसको मैं पहले से ही बना के रखा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको कॉम्प्लिकेटेड ना ट्यूटोरियल लगे, बहुत ही सिंपल लगेगा, इसलिए मैंने इसको परफेक्ट बना के रखा हूँ। एंड डन कर दूँगा। सो अपने हिसाब से आप अपने फेस के हिसाब से ब्लॉड को छेड़छाड़ करके आप ठीक कर लेना, एडजस्टमेंट कर लेना। एंड फाइनल यहाँ पे मैंने ब्लॉड को लगा दिया हूँ, देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट PNG को लगा दूँगा, तो ऐड फोटो पे जाऊँगा। सो यहाँ पे मैं ट्रिपल आर मूवी का टेक्स्ट PNG कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा दूँगा एंड हल्का सा VCT में कम कर दूँगा, 91 रख दूँगा एंड डन कर दूँगा।
सो फाइनल फिक्स एडमिन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, तो इस फोटो को मैं सेव करके चलूँगा लाइट रूम में और वहाँ पे मैं फाइनल कलर करेक्शन करूँगा, बैकग्राउंड मैच करूँगा, तब जाके फोटो में एक रियलिटी लुक आएगी। सो यहाँ से मैं सेव कर लूँगा, सो शेयर पे क्लिक करके ऐड टू लाइट रूम कर लूँगा। सो गाइस, तो लाइट रूम ऐप को ओपन करने के बाद ऑल फोटो पे आना है एंड उसके बाद इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस, आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइट वाले ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ पे फोटो का लाइटिंग एडजस्टमेंट कर लेना है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा क्योंकि ट्यूटोरियल है और वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, सो मैं इसको यहाँ पे जल्दी बताऊँगा, कम कर दूँगा एंड शैडो को हल्का सा इंक्रीज करके एंड ब्लैक को कम कर दूँगा कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद नेक्स्ट कलर ऑप्शन पे आऊँगा, तो यहाँ पे मैं वाइब्रेंस को हल्का सा इंक्रीज कर दूँगा एंड उसके बाद मिक्स ऑप्शन, मिक्स ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे रेड का सिचुएशन हल्का सा इंक्रीज करूँगा एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर पे आने के बाद फेस का कलर हल्का सा मैं कम कर दूँगा एंड लुमिनेंस को इंक्रीज कर दूँगा ताकि फेस जो है थोड़ा ब्राइट हो जाए। एंड उसके बाद येलो कलर पे आना है, तो येलो कलर का ह्यू आपको चेंज कर देना है, सो कुछ इस तरह से -42 रखना है। एंड उसके बाद ग्रीन कलर, ग्रीन कलर पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको ह्यू को -100 रख देना है एंड सिचुएशन हल्का कम करना है एंड डन कर देना है। एंड डन करने के बाद आपको यहाँ पे टिंट को माइनस की तरफ कुछ इस तरह से आपको कम करना है एंड उसके बाद आपको कलर ग्रेडिंग ऑप्शन में आना है। एंड उसके बाद आपको शैडो को क्या रखना है, शैडो को यहाँ पे आपको ब्लू रखना है कुछ इस तरह से, तो मैं ब्लू टोन डालूँगा शैडो में एंड लुमिनेंस को कम कर दूँगा एंड ब्लेंडिंग को बढ़ा दूँगा कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद आपको आना है हाइलाइट्स, हाइलाइट्स में आने के बाद आपका ब्लेंडिंग कुछ इस तरह से, इसको नहीं छेड़ूंगा बस इतना ही रहने दूंगा। एंड उसके बाद इफेक्ट ऑप्शन में आना है, क्लैरिटी को इंक्रीज करना है एंड डिहेज को एंड पिगमेंट को हल्का सा मैं इंक्रीज कर दूंगा, सॉरी डिक्रीज कर दूंगा, ज़्यादा हो गया पिगमेंट। उसके बाद डिटेल्स ऑप्शन में आने के बाद कलर नॉइज रिडक्शन एंड शार्पनिंग एंड सॉरी शार्पनिंग को ऐड करूँगा एंड मास्किंग कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे देख सकते हैं कलर करेक्शन बहुत ही अच्छा हो रहा है। एंड उसके बाद आपको इस फोटो को सेव कर लेना है एंड उसके बाद इतना करने के बाद आपको स्नैपसीड में जाना है क्योंकि वहाँ पे मैं एक फ़िल्टर बताऊँगा, तो वो फिल्टर यूज करने के बाद आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ही मैच हो जाएगा परफेक्ट, जस्ट एक फ़िल्टर। तो इस फोटो को मैं पहले सेव कर लूँगा, सेव करने के बाद बैक आऊँगा। एंड उसके बाद स्नैपसीड के अंदर इंपोर्ट कर लूँगा एंड उसके बाद पेंसिल पे क्लिक करके आपको इधर आपको ग्रेनी फिल्म मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन पे आना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं L05 का फिल्टर ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे स्टाइल स्टेन को हल्का सा आपको कम करना है कुछ इस तरह से, 11-12 करीब रखना है एंड डन कर देना है। सो देख सकते हैं बिल्कुल ही मैच हो चुका है। आई थिंक आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लव यू एंड टेक केयर, बाय एंड सेफ।